चार शहरों पर रखी नजर और वो है भारत फोर्ज, आरके फोर्जिंग, रामाकृष्ण फोर्ज जिसे आप कहते हैं, मदरसन यानी कि संवर्धन मदरसन और जीएनए एक्सेल्स, क्योंकि कल फरवरी महीने के नॉर्थ अमेरिका के क्लास ए ट्रक बिक्री के आंकड़े हैं। इन बिक्री के आंकड़ों से इन चारों शहरों में सीधा असर होता है, तो 10% ये आंकड़े बढ़कर आए साल दर साल और जो बिक्री है वो करीबन 22,788 यूनिट पहुंचती हुई नजर आई। ओके, दूसरी बड़ी खबर जिस पर आप सबको रखनी है नजर वो आ रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। फरवरी के कुल डिसबर्समेंट में 53% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एफिशिएंसी भी ने भी अपने आप को होल्ड आउट ही किया है, 98 से 1% घटकर 97% के आसपास रही है। और लोन बुक पर नजर डाले तो यहाँ पर मासिक आधार पर 1.5% की वृद्धि देखने को मिली है। नेटको फार्मा 8 मार्च को होने जा रही है बोर्ड बैठक और बोर्ड बैठक का एजेंडा इनके शेयर होल्डर्स को खुश करने वाला है। बायबैक पर होगा विचार, नजर रखिए शेयर पर 4% ऊपर खुलने के संकेत पहले दे रहा है। ऑलराइट, इसी के साथ एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स इसको भी अपने रिडार पर रखिएगा, चौथे पायदान पर है आज टॉप 10 खबरों में। 1,150 करोड़ का इम्पेयरमेंट चार्जेस ये लेगी, गुजरात में कंस्ट्रक्शन के तहत 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लेकर इम्पेयरमेंट। यस बैंक और SBI ये 2 शेयर रहेंगे रिडार पर। रॉयटर्स के हवाले से जो खबर आती दिख रही है वो ये कि यस बैंक में SBI का है 26% हिस्सा। ऑलराइट, ये हिस्सा लॉक इन खत्म होने के बाद SBI घटा सकता है, बेच सकता है पूरा कुछ पार्ट में। 6 मार्च को हो रहा है लॉक इन पीरियड खत्म, तो देखते हैं SBI यस बैंक का अपनी जो स्टेक है भारी भरकम उस पर क्या व्यू लेता है। बिल्कुल, तो यस बैंक SBI इस पर खबर पर तो नजर रहेगी, लेकिन मिस मत करिएगा मॉयल लिमिटेड को, छठे पायदान पर है। फरवरी प्रोडक्शन और सेल्स के अपडेट निकल कर आए हैं, दोनों में ही वृद्धि देखने को मिली। उत्पादन देखें तो 10% की बढ़त यहां दर्ज हुई है और मैंगनीज ओर की जो बिक्री है उसमें 19% का इजाफा दर्ज किया गया है। एंजल वन देश के दिग्गज ब्रोकिंग हाउस के यहाँ पर फरवरी महीने के बिजनेस अपडेट्स आते दिखे, जो रोज का डेली टर्नओवर है उसकी एवरेज साल दर साल 98% बढ़ी है, यानी कि लगभग दुगुना हो गया पिछली फरवरी से इस फरवरी, लेकिन महीने दर महीने देखें तो 3% की बढ़त है। कैश मार्केट का टर्नओवर ये साल दर साल 36% घटा है और महीने दर महीने भी 4%, यानी कि आजकल लोगों का इंटरेस्ट कैश मार्केट में डिलीवरी लेने और देने में रहा नहीं, कम हो गया। वायदा कारोबार का टर्नओवर दुगुना हुआ है, 99% बढ़कर साल दर साल, और महीने दर महीने भी देखेंगे तो 3.75% बढ़ा, जो कि अच्छा कहा जाएगा। और क्लाइंट बेस पूरे साल भर में इन्होंने 50% बढ़ाया है फरवरी से फरवरी में, कंपेरेटिवली फरवरी महीने का, और महीने दर महीने देखेंगे यानी जनवरी से फरवरी में देखेंगे तो 3.5% क्लाइंट बेस बढ़ा है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और रिटेल टर्नओवर मार्केट जो है पूरा उनमें जो इनका मार्केट शेयर है वो लगभग 70 बेसिस पॉइंट महीने दर महीने बढ़कर आया है और साल दर साल 178 बेसिस पॉइंट, यानी कि नंबर्स ओवरऑल अच्छे कहे जाएंगे। इसके साथ साथ स्टील स्पेस पर रखिएगा नजर, टाटा स्टील, JSW स्टील और सेल खास तौर से यहाँ पर फोकस रहने वाला है। कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आई जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जितने भी ये भारतीय स्टील प्रोड्यूसर्स हैं वो फिर HRC यानी कि हॉट रोल्ड कॉइल्स हैं उसकी कीमतें बढ़ाने की तरफ विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ये वृद्धि इसी महीने 1,000 से 2,000 रुपए के आसपास देखने को मिल सकती है। सारे सीमेंट शेयर रहेंगे आज सुर्खियों में गोल्डमैन की रिपोर्ट की वजह से, जहां रिपोर्ट जो सबसे बेहतरीन आई है वो आई है अल्ट्राटेक पर। उन्होंने टारगेट 7,650 से बढ़ाकर 8,500 का किया है, दमदार रिपोर्ट, ये सबसे बेस्ट रिपोर्ट, ठीक ठाक सी रिपोर्ट श्री सीमेंट के लिए है, माफ कीजिएगा डालमिया भारत के लिए ठीक ठाक सी रिपोर्ट है, जहां उन्होंने टारगेट 1950 कर दिया है, 1725 से बढ़ाकर 1850 के आसपास स्टॉक है। खराब रिपोर्ट जो है वो 3 शेयरों पर, श्री सीमेंट यहाँ डबल डाउनग्रेड हुआ है, 23,550 से टारगेट घटाकर 22,100 किया है, अंबुजा में टारगेट 428 से घटाकर 375, ACC पर टारगेट 2315 से घटाकर 2035 पर, तो इन 3 शेयरों पर रिपोर्ट है खराब। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स IPO, उनके मैनेजमेंट से भी हमने बात की थी। IPO खुला था 1 मार्च को और आज ये होने वाला है बंद, अब तक इशू 38% तक भरा है, रिटेल की तरफ से 1.5 गुना हमने इशू को भरते हुए देखा है। आपको बता दें साइज 412 करोड़ का है, नंबर ऑफ शेयर्स 71.5 लाख के आसपास के दिखे और प्राइस बैंड इसका रहा 560 से 590 के बीच।